मछली पालन में हम देख रहे हैं कि जो आपको खर्च करना है नेक्स्ट ईयर, यदि आप हम पहले से सोच लें तो उसके मुताबिक प्लानिंग कर लें, प्लानिंग करके फीडिंग को सोच लें किस टाइप का फीडिंग करना है, उस तरह की डेंसिटी में ही स्टॉक करें, तो निश्चित रूप से इसमें प्रॉफिट अच्छा है। जैसे कि 2 हेक्टेयर के पौंड में राइस ब्रान और ऑयल केक में हमको लगभग 3.5 लाख का बचत हुआ, और जबकि फ्लोटिंग फीड में हमको 7 लाख का बचत हुआ। और इसको यदि कोई भी ध्यान से देखे और समझे तो मछली पालन में कहीं भी घाटा नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। गांव के हाट से लेकर शहर के बाजार तक मछलियों की मांग सालों भर कम नहीं होती। आंकड़े की माने तो बिहार में मछली का सालाना उत्पादन मात्र 3.60 लाख टन, जबकि प्रतिवर्ष मछली का खपत 4.56 लाख टन होता है। आपको बेशक मालूम होगा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों की संस्कृति में भी मछलियां शामिल हैं। कई रीति रिवाजों में तो इसकी उपलब्धता अनिवार्य होती है। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को बायो इंडिकेटर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस पानी में मछली ना हो उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति, सेहत और जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में मछलियों की भूमिका अहम होती है। किसान भाइयों, ग्रामीण परिवेश में मत्स्य पालन का व्यवसाय कई मायने में मुनाफा देने वाला विकल्प है। पूरे परिवार के साथ मिलकर इस कारोबार में हाथ आजमाने से प्रदेश के कई प्रगतिशील किसान प्रति एकड़ 40,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं, और बेशक आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। जिस प्रकार कृषि के लिए भूमि आवश्यक है, उसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए तालाब की भी आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आकार प्रकार के तालाब व पोखरें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हैं, जिसे मत्स्य पालन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। मत्स्य पालन के लिए 0.2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक के ऐसे तालाबों का चयन किया जाना चाहिए जिनमें 8 से 9 माह तक पानी भरा रहे। तालाबों को सदाबहार रखने के लिए जल की आपूर्ति का साधन होना चाहिए, ताकि तालाब में पानी कम न हो और सालों भर कम से कम 1 से 2 मीटर पानी अवश्य बना रहे। तालाब प्रबंधन में ध्यान देने वाली बात ये है कि सूर्य की रोशनी तालाब की तली तक न जाने पाए। मछली पालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले तालाब खुदवाने के लिए उपयुक्त जमीन का चयन करना होगा। अगर पहले से बने पोखर या तालाब को उपयोग में लाना हो तो उसे पूरी तरह खरपतवार से मुक्त कर देना चाहिए। पुराने तालाब में मछली पालन करने के लिए सबसे पहले तालाब को खरपतवार मुक्त करना होता है। जलीय खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आपके पास कई विकल्प हैं।